हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजन गर्ल एंड इन अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो उड़ीसा में जिस टाइप का जो लस्सी मिलता है ना, थिक वाला, उसका रेसिपी। तो यहाँ पे हमें क्रेविंग हो रहा था बहुत, तो इसीलिए हम यहाँ पे लस्सी बना रहे हैं। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, काजू और जो एलमंड्स है उनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर दे रही हूँ यहाँ पे, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रंची लगे। तो ये ठंडा हो गया है और मैं अभी इसको चॉप कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने बनाना लिया है और थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है क्योंकि हमें थोड़ा सा थिक लस्सी चाहिए था। और अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ शुगर, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो कम या ज़्यादा, बनाना भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। और तो पहले से रखा हुआ था दही, वो पहले ऐड करेंगे, उसके बाद ये वाला दही ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से, ये भी अपने हिसाब से ले सकते हो कम ज़्यादा, आपको जितना भी चाहिए उतना। हल्का सा मैंने पानी ऐड किया है क्योंकि दही थोड़ा सा थिक है। अब इसमें आइस क्यूब्स डाल रहे हैं और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से थिक साइड शेक बन जाए। तो ये बनके तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ एंड जो थिक लस्सी होता है ना, बस उसी तरह का बना है। आप देख के पता लगा सकते हो कि कितना थिक है, एकदम शेक जैसा है ना। ऊपर से हमने ये आलमंड और काजू हमने जो चॉप किया था वो डाल रहे हैं और एक बार अच्छे से मिला देंगे, फिर से ऊपर से थोड़ा सा और डाल देंगे। और जैसे दुकान में देते हैं ना बॉर्नविटा डाल के, बस उसी तरह से हमने भी थोड़ा सा बॉर्नविटा ऊपर से डाल दिया है। एक ही चीज़ की कमी है, वो है कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, वो नहीं था हमारे पास इसीलिए हमने नहीं डाला। और ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़े का बना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।